हेलो माय लवली। सो ये वाले प्रोडक्ट्स मुझे बाद में रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक मिक्स हॉल शेयर किया जाए आपके साथ, जिसमें आपको फेस्टिव वियर कुर्ता सेट्स भी देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको शॉर्ट कुर्तीज भी देखने को मिलेंगी। सो आई होप कि ये कलेक्शन आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सो गाइस, जो मैंने साड़ी वियर की हुई है, बहुत प्यारी सी नेट की साड़ी है, जिसमें आपको ये फुल्ली हैवी वर्क वाला ब्लाउज मिलेगा वेलवेट में, ब्लैक कलर का। इसमें आपको मे बी शायद दो तीन कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये नेट की साड़ी है, अंडर 600 रुपीज में, बहुत ही प्यारी फेस्टिव वियर साड़ी है, सीक्वेंस का काम है। ये भी मैंने मीशो से ही गाइस परचेज की है, सो इसका हॉल भी जल्दी आएगा, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कुर्ता सेट की तरफ, जो कि है ये वाला लाइट पिंक कलर का है ये कुर्ता सेट। अगेन हर बार की तरह मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रही हूँ, वहां पे ब्रांड्स मेंशन नहीं होते, बट जब आते हैं तो इस पे देखो ये गोश्री का टैग लगा हुआ है। तो मैं आपको फर्स्ट कुर्ता दिखाती हूँ। सो ये है कुर्ता, कॉटन फैब्रिक में वी नेक है, नेक पे काफी सुंदर सा ये सीक्वेंस का वर्क किया है, सीक्वेंस का एंड थ्रेड का, ये आप देख सकते हैं। थ्री फोर स्लीव्स है कुछ इस तरीके की, बाकी पूरा स्ट्रेट कुर्ता मिल जाएगा, स्ट्रेट पे सॉरी कुर्ते पे आपको कुछ इस तरीके का पूरा ऑल ओवर प्रिंट मिल जाएगा। बाकी बैक से भी आपको एकदम सेम मिलेगा, बस आपको नेक पे ही ये सीक्वेंस की एंड थ्रेड की डिटेलिंग मिलेगी कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद जो इसका बॉटम मिलेगा, लाइट लाइट पिंक कलर का आपको इसका बॉटम मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। इलास्टिक दी गई है और एक साइड आपको पॉकेट दी गई है, बाकी पैंट स्टाइल में आपको बॉटम मिल जाएगा, अगेन कॉटन फैब्रिक में ही है ये, सो आपको ये बॉटम मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो इसका सुंदर सा दुपट्टा मिलेगा, अगेन लाइट पिंक कलर में दुपट्टा मिलेगा, जॉर्जेट नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेन्जा काइंड ऑफ फैब्रिक है, और ये सारा उस पे ये डिटेलिंग हो रखा है कुछ इस तरीके से। ये देखो सीक्वेंस का एंड थ्रेड का काम किया गया है पूरे दुपट्टे में, बीच बीच में छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए गए हैं। सो दुपट्टा भी काफी अच्छा है, लेंथ लेंथ और विड्थ वगैरह भी एकदम ओके है, काफी प्यारा है, ज्यादा मतलब एकदम ऑर्गेन्जा जैसे हैवी वाला ऑर्गेन्जा होता है ना, वैसा नहीं है, हल्का सा ना थोड़ा वो वैसा टच आ रहा है जॉर्जेट फैब्रिक टाइप का। सो काफी अच्छा है, अंडर 600 रुपीज में आएगा, इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आउटफिट की तरफ, जो है कि ये। सो ये ड्रेस है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, और मे बी शायद इसमें भी आपको और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो गाइज अगर आप मेरा साइज पूछेंगे तो अब मैं अलग अलग साइज परचेज करने लगी हूँ, किसी में मुझे एम साइज आता है तो किसी में एल आता है। शॉर्ट कुर्तीज में मैंने सभी में एल साइज लिया है, बाकी सूट्स में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एम साइज परचेज करती हूँ। सो ये जॉर्जेट फैब्रिक की बड़ी सुंदर सी आपको ए लाइन ड्रेस मिलती है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है। सो कुछ इस तरीके की स्लीव्स हैं, जो कि पफी पफी स्लीव्स आएंगी, यहाँ पर आपको इलास्टिक लगाई हुई है, थ्री फोर स्लीव्स है, एंड जो ये अपर पार्ट है ना, ये यहाँ भी इलास्टिक लगाई गई है, आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रेचेबल हो जाता है। उसके बाद नीचे ये ए लाइन ड्रेस टाइप की कुर्ती मिलती है, जिसमें आपको ये जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, और अंदर आपको इसमें लाइनिंग भी दी गई है, ये ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे लाइनिंग दी गई है कुछ साटन सिल्क फैब्रिक में, बाकी आपको स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं मिलेगी। सो काफी प्यारी ड्रेस है, और आपको ये बांधने के लिए डोरी भी मिलेंगी, सुंदर लग रही थी। आप जैसे हम सोचते हैं ना कि स्टाइलिश भी लगे, सुंदर भी लगे, और रिवीलिंग भी ना हो, तो उस तरीके की ये ड्रेस है, ट्राई ऑन में आप देख रहे होगे, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, वेस्टर्न लुक में आप इसको पहनो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, तो जरूर ट्राई करना इसको। और फैब्रिक भी काफी अच्छा है, और अंडर 300 रुपीज में है, सो मुझे ये सो नेक्स्ट है ये वाली कुर्ती। जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको शॉर्ट कुर्तीज भी देखने को मिलेंगी, और फेस्टिव वियर कुर्ता सेट की। तो ये है शॉर्ट कुर्ती, काफी प्रिटी एंड लाइट वेट है, अंडर 200 रुपीज में है, कॉटन फैब्रिक में है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो काफी सुंदर सी प्रिंट हो रखा है इस पे, और थ्री फोर स्लीव्स मिल जाती है, नेक कुछ इस तरीके से है, राउंड नेक विद वी कट, बाकी पूरी आपको स्वेट कुर्ती मिलती है, स्वेट कुछ इस टाइप से, काफी अच्छी लगती है, ब्लैक जीन्स, व्हाइट जीन्स, ब्लू जीन्स किसी के साथ भी पेयर करो, काफी ज्यादा
अच्छी लगेगी तो जरूर चेकआउट करना। जो होती है लड़कियां ऐसे जिनको मतलब बहुत ज्यादा हैवी कुर्ता सेट्स पहनने नहीं पसंद, मतलब नॉर्मल जैसे पहनते हैं ना, शॉर्ट कुर्ती पहन ली, नीचे प्लाजो पहन लिया या जीन्स पहन लिया, ऐसी भी बहुत लड़कियां होती हैं। और मैं ये नहीं कह रही दिवाली पे ही, भाई दूज वगैरह पे भी पहन लेती हैं, तो कुछ इस टाइप से भी होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट ये वाली कुर्ती, ये बहुत सुंदर कुर्ती है, इसका कलर बहुत ज्यादा गाइस प्यारा है, ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए। मेहंदी ग्रीन कलर है ये, काफी प्रिटी सी कुर्ती है, अगेन कॉटन फैब्रिक में। मुझे इसका प्रिंट एंड कलर इतना ज्यादा सुंदर लगा है ना, इसमें का मैं पहले भी एक मंगवा चुकी हूँ, काफी सुंदर सा कलर है। वो मैंने अपनी ताई जी की बहू को दे दिया। सो ये आप देख सकते हैं नीचे से ना थोड़ा सा पैपलम काइंड ऑफ टॉप की डिटेलिंग आती है, और आगे से ना ये डोरी भी दी गई है कुछ इस ऐसे ही, बस जिस तरीके से आप इसको बांध सकते हैं, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, और ये कुछ इस तरीके से है आप देख सकते हैं, बाकी आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रिंट है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अगेन अच्छा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से मेरे पास ऐसा कलर भी नहीं था, इसलिए मुझे ये सॉरी और ज्यादा पसंद आया। सो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज यार गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अभी के लिए तो हमें ऐसे ही कपड़े वियर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि मेरा फेवरेट कुर्ता सेट है इस वाले हॉल का। गाइस इतना ज्यादा प्यारा है ना, एंड ये वाला कलर मैं पहली बार पहन रही हूँ, मतलब लाइट कलर है, थोड़ा क्रीम कलर है, क्रीम वाइटिश टोन में है, बट जो इसके साथ कॉम्बिनेशन है वो है पिंक कलर का। ये देखो बहुत सुंदर है, मैं आपको पहले इसका कुर्ता दिखाती हूँ। व्हाइट कलर का बड़ा प्यारा कुर्ता है, और ये देखो पूरा वर्क हो रखा हैवी। ये देखो पहले तो पूरा प्रिंट हो रखा है पूरे कुर्ते पे, आप देख रहे हो ये पूरा प्रिंट हो रखा है कलरफुल। ऊपर से ना आपको ना इसमें ये सीक्वेंस का काम मिलेगा, ये देख रहे हो आप, ये पूरा सीक्वेंस का काम है पूरे सूट पे, पीछे भी आगे भी, स्लीव्स पर भी, 3-4 स्लीव्स है, राउंड नेक है। एंड गाइस ट्रस्ट मी इतना प्यारा सेट है ये, पहनने के बाद तो मतलब इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको उतारूं। और ये मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। पहले ना मेरे को ऐसे कलर इतने ज्यादा अच्छे लगते थे, बट शादी के बाद मैंने वियर नहीं किए, क्योंकि होता है ना कि नहीं वियर करने देते इसलिए, बट ये मुझे इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था कि बस मेरा मन नहीं माना और मैंने ये ले लिया। बहुत सुंदर, और इसका जो प्रिंट है ना वो तो इतना ज्यादा निखर के आ रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, और अगेन अफोर्डेबल भी है, कॉटन प्रिंट में है, कॉटन फैब्रिक में है। उसके बाद जो इसके साथ कंट्रास्ट में पैंट मिलेगा रेयॉन फैब्रिक में, वो है ये पिंक कलर का, एकदम मजेंटा पिंक है, और यहाँ पे इलास्टिक दी गई है, एंड थोड़ा पैंट स्टाइल में आपको बॉटम मिल जाएगा, एकदम फुल्ली फिटेड नहीं है, हल्का सा लूज टाइप का आपको ये पैंट मिल जाएगा। और इसके साथ का दुपट्टा जो मिलेगा, देखो गाइस कॉटन का दुपट्टा बहुत सुंदर है, जो कि अगेन ये देखो सेम सूट की तरह है, और ये भी सारा प्रिंटेड, एंड इस पे भी सारा सीक्वेंस का काम है। और यार मतलब लाइक मैं क्या बोलू, मेरे ना मुंह से OMG निकल रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्राइस इतना सुंदर सूट आपको सिर्फ मीशो पर ही मिल सकता है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है, प्रिंट है, सीक्वेंस का काम है, एकदम फुल्ली फेस्टिव वाइब दे रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली कुर्ती, इस वाली कुर्ती में आपको ना 9 to 10 कलर्स मिल जाएंगे, और ये सिंगल कुर्ती भी मिलती हैं और ये सेट में भी मिलती हैं, तो आप जैसे परचेज करना चाहो वैसे परचेज कर सकते हो। रेयॉन फैब्रिक में मेरे को ये मिली है कुर्ती, तो कुछ इस तरीके से है ये लाइलैक कलर में है ये पूरा, आपको ये देखो कलर ये सारा वर्क मिल जाएगा, थ्रेड का काम मिल जाएगा, चिकनकारी वर्क बोलते हैं लेकिन आजकल मशीन वर्क ही आता है सारा, से कुछ इस तरीके से है। 3-4 स्लीव है, स्लीव से भी आपको मिल जाएगा, बीच बीच में छोटे छोटे से फ्लावर्स मिल जाएंगे, एंड नीचे की तरफ आपको ये सुंदर सा प्रिंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक मिलता है आपको एकदम सिंपल,
ये पूरी कुर्ती आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, बहुत प्रिटी कुर्ती है। आप इसको किसी चीज के भी साथ पेयर करो, डेनिम जीन्स के साथ या ब्लैक कलर के साथ, किसी के साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। और प्लाजो वगैरह के साथ भी वियर करोगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे वेस्टर्न टच देना है तो जीन्स के साथ वियर करो, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल वियर में पहनना है तो आप इसके साथ प्लाजो या स्कर्ट वगैरह वियर करो, व्हाइट कलर की, व्हाइट दुपट्टा, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ बहुत अमेजिंग लगेगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गाइज, इसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था बट उसमें आवाज़ नहीं आई, मेरा माइक बंद हो गया था, इसलिए मैंने फिर रीशूट नहीं किया। तो उसके बाद ये कुर्ता सेट है, इसमें आपको दो कलर मिलेंगे, रेयॉन में मिलता है आपको और कुर्ते में अलग प्रिंट मिलता है, बॉटम में अलग प्रिंट मिलता है, और नेक पे आपको काफ़ी सुंदर सा वर्क मिल जाता है, मोतियों का और सीक्वेंस का बहुत सुंदर वर्क मिलता है। एम साइज़ में मैंने परचेज़ किया है, आप कोई भी कलर परचेज़ कर सकते हैं, मैंने ये नवरात्रि के लिए परचेज़ किया है, बहुत सुंदर कलर है। उसके बाद है ये वाला, इसमें आपको 5 to 6 कलर्स मिल जाएंगे। मैंने स्काई ब्लू परचेज किया, फैब्रिक है रेयॉन, बॉटम का भी और कुर्ते का भी, और दोनों में ही चिकनकारी को वर्क किया गया है अच्छी तरीके से, जो कि मशीन वर्क है एंड फैब्रिक भी अच्छा है। उसके बाद ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे हॉल में सबसे प्यारा और ये जो कुर्ता सेट है वो अमेजोन से मैंने परचेज किया है, बहुत सुंदर कॉटन का है और इसमें दुपट्टा भी कॉटन का है, मतलब लाइट कॉटन होता है ना उसका आपको दुपट्टा मिल जाएगा। बहुत सुंदर कुर्ता सेट है, ए लाइन की कुर्ती आपको मिल जाती है अनारकली पैटर्न में, और नीचे आपको काफ़ी अच्छा फ्लेयर वाला प्लाजो मिल जाता है जिसमें दोनों में आपको अलग अलग प्रिंट मिलते हैं। अगेन बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है, छोटे मोटे फंक्शन में, पार्टी में और पूजा वगैरह में आप कैरी कर सकते हो। उसके बाद यह मेरी रेडी टू वियर साड़ी, इसका हॉल इसके बाद आएगा, सो जरूर देखना, ठीक है? तो हम इसके साथ करेंगे टू बी कंटिन्यूड। तो गाइज, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा? आई होप कि मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो प्लीज कीजिएगा। और ये फेस्टिव सीजन आपको कैसा लग रहा है और हॉल्स कैसे लग रहे हैं मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।